हेलो फ्रेंड्स, बाल मजदूरी समाज और देश दोनों के ही विकास में बाधक होते हैं। अशिक्षित व्यक्ति जानवर के समान होता है और सही शिक्षा ही हमें इंसान बनाती है। बच्चों को किताबें दो, शिक्षा दो और इन्हें अपना भविष्य बनाने दो। अगर आप इनके बचपन में रंग नहीं भर सकते तो ना सही, पर इनके बचपन को छीनने का हक भी तो हमें नहीं है। अगर आप एक बेहतर देश और समाज की कल्पना करते हैं तो आपको बाल मजदूरी रोकने के प्रति खुद को और दूसरों को जागरूक करना होगा। इसी को प्रदर्शित करती और इसी के विरोध में मेरी रचना गुब्बारे वाला लड़का। गुब्बारे वाला लड़का। सिग्नल पर एक लड़का देखा, बेच रहा था गुब्बारे। हर आने जाने वाले को पूछ रहा था गुब्बारे। हवा नहीं, खुद के सपने भर रहा था। अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहा था। खेल खिलौने खाने पीने की उसको परवाह कहां। वो तो अपनी धुन में खोया, जिधर भीड़ बस जाता वहां। जिन सिक्कों की चमक में वो खोया था, उसे क्या मालूम था कि उसका भविष्य इन्हीं में कहीं सोया था। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, बचपन कितना सस्ता है। बचपन कितना सस्ता है गुब्बारे नहीं साहब, वो 5 रुपए में अपना बचपन बेच रहा था। 5 रुपए में अपना बचपन बेच रहा था।